chemical composition of silicon. It is silicon has chemical symbol Si. हम ये बोल सकते हैं इट इज डिनोटेड बाय Si. इट हैज एटॉमिक नंबर 4. एटॉमिक नंबर इज 14. एटॉमिक नंबर इज 14 एंड द एटम ऑफ सिलिकॉन हैज 14 इलेक्ट्रॉन. एक एटम के पास सिलिकॉन के जो हैं एटम ऑफ सिलिकॉन हैज 14 इलेक्ट्रॉन्स. 14 इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्विंग अराउंड इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटिंग रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस. हमारे पास ये अगर न्यूक्लियस है प्लस 14. ये हमारे पास शेल्स. अब जो हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन है हम उसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं. दो, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ. आठ और दो 10. एक, दो, तीन और ये 4. ये 14 हो गया हमारे पास. ये इसका न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स शेल्स. ठीक है. और जो ये इन दो शेल्स के दरमियान जो गैप होता है उसे हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप. मतलब वहाँ पे कभी भी इलेक्ट्रॉन अराउंड कभी भी नहीं पाया जाएगा. इसकी वजह से उसे क्या कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप. सिलिकॉन बिलोंग्स टू 4th ग्रुप क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में हमारे पास क्या है 4 इलेक्ट्रॉन है. तो हम कह सकते हैं सिलिकॉन बिलोंग्स टू 4th ग्रुप on periodic table and has 4 valence electron and has 4 valence electron kaun se hote hain jo outermost orbit mein hote hain. outermost mein hamare paas 4 hai. 1 2 3 4 valence electron. इट्स ये जो सिलिकॉन होता है इसका जो क्रिस्टल होता है ना इट्स क्रिस्टल कॉन्टेन ग्रुप ऑफ 4 एटम जो कि हमारे पास अरेंज किया जाता है ट्राइंगुलर पायरामिड. वो होता है जिसके 4 फेसेस होते हैं 6 एजेस होते हैं जस्ट लाइक प्रिज्म जो हमें लाइट रिफ्लेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है या उस पर हम रिफ्लेक्ट करके रेनबो की जितनी भी हमारे पास कलर्स होते हैं हम उसे देख सकते हैं. रेनबो के जितने भी कलर होते हैं वो लाइट रिफ्लेक्ट करके हम उस प्रिज्म में इजीली देख सकते हैं. इट कंटेन ग्रुप ऑफ फोर एटम अरेंज्ड एज ट्राइंगुलर पायरामिड. प्रिज्म होता है इसके 4 फेसेस होते हैं 3 1 और एक सामने वाला एक पीछे वाला
तीन, और ये जो बिल्कुल इसकी बिल्कुल सतह पे होगा जहाँ पे हमने रखा हुआ है वो उसकी फोर्थ फेसेज हो जाएंगे, फेस के सिक्स एजेस हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या हो जाता है, प्रिज्म जैसा हो जाता है, ट्राइंगुलर पायरामिड। ठीक है, अब हम देख लेते हैं सिलिकॉन की रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी के अलावा हमने क्या देखना है इसमें, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन ऑफ सिलिकॉन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखनी है। ठीक है, रेजिस्टिविटी सिलिकॉन की होती है, इट है इट्स रेजिस्टिविटी इट्स रेजिस्टिविटी इज 1500 ओहम मीटर। और जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, तो यहाँ पे हमारे पास दो हैं इलेक्ट्रॉन, 1s2, और यहाँ पे सेकंड ऑर्बिट में हमारे पास 8 हैं, तो 2s2 2p6। यहाँ पे हमारे पास 4 हैं, 3s2 3p2। ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और ये डायग्राम हमारे पास होल है सिलिकॉन की।